नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। स्वीडन में कुरान जलाने के बाद अब स्वीडन की पुलिस से यहूदियों की धार्मिक ग्रंथ तौरेत को जलाने की अनुमति मांगी गई है। आज की वीडियो में मैं आपको दो बड़ी खबरें बताऊंगी। पहली खबर स्वीडन से है, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर स्वीडन में इजरायली दूतावास के बाहर यहूदियों की धार्मिक ग्रंथ तौरेत और ईसाइयों की धार्मिक ग्रंथ बाइबल को जलाने की अनुमति मांगी गई। वहीं दूसरी खबर लंदन से है, जैनिन शिविर में हुए इजरायली हमलों के खिलाफ सैकड़ों लोग लंदन की सड़कों पर फलस्तीनी झंडे लेकर उतर आए। उन्होंने प्रदर्शन किए और नारेबाजी की, जिसके बाद पूरा लंदन इजरायल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। दोनों खबरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगे तो न्यूज़ को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। स्वीडन में अब एक व्यक्ति ने पुलिस से इस बात की इजाज़त मांगी है कि वह स्वीडन में इजरायली एम्बेसी के बाहर यहूदी धर्मग्रंथ तौरेत और ईसाई धर्मग्रंथ बाइबल को जलाना चाहता है। इस व्यक्ति का मकसद दुनिया को ये दिखाना है कि स्वीडन में अभिव्यक्ति की कितनी आज़ादी है। इस व्यक्ति ने अपने अनुरोध में कहा है कि ये पिछले सप्ताह कुरान जलाने की प्रतिक्रिया है। पुलिस ने कहा है कि उसने अभी तक इस अनुरोध को खारिज नहीं किया है और इसकी समीक्षा की जा रही है। ये खबर सुनते ही स्वीडन में इजराइल के राजदूत की नींद उड़ गई और उसे तौरेत के साथ साथ कुरान के सम्मान का भी ख्याल आ गया। स्वीडन में इजरायली राजदूत ने तौरेत जलाने वाली मांग के अनुरोध पर ट्वीट करते हुए कहा है कि स्वीडन में और अधिक धार्मिक ग्रंथों को जलाने की संभावना से मैं हैरान और डरा हुआ हूँ। कुरान हो, तौरेत हो या कोई अन्य धर्म ग्रंथ, इसे जलाए जाना घृणित कार्य है, इसे रोका जाना चाहिए। स्टॉकहोम पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि तीन और धार्मिक ग्रंथ जलाने की अनुमति मांगी गई है। पुलिस ने कहा है कि सभी आवेदन की जांच की जा रही है कि ये अनुरोध शर्तों और सभी नियमों के मुताबिक है या नहीं। पुलिस ने कहा है कि हमारा नज़रिया किसी खास धर्म को लेकर अलग नहीं हो सकता, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसकी बहस का हिस्सा है और बहस अभी जारी है। आवेदन की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि अगर प्रदर्शन की अनुमति मिलती है तो अगले हफ्ते धार्मिक ग्रंथ जलाने की भी अनुमति दी जा सकती है। अब देखना यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बार बार कुरान जलाने की अनुमति देने वाला स्वीडन तौरेत और बाइबल जलाने की अनुमति देता है या नहीं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जैनिन शिविर पर इसराइल के हमलों के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने लंदन की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक तरफ जहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इसराइल के हमलों और उनके अत्याचारों का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वहां की जनता फलस्तीन के समर्थन में नारे लगा रही है। लंदन में प्रदर्शनकारियों ने इसराइल के हमले की निंदा की और फलस्तीनियों पर हो रहे जुल्म और अत्याचारों को खत्म करने की मांग की। फलस्तीनी झंडे थामे ये प्रदर्शनकारी फलस्तीन की आज़ादी और जोनी शासन के खिलाफ इस अंदाज में नारे लगा रहे थे कि पूरा लंदन इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। आपको बता दें, इसराइल द्वारा जैनिन शिविर पर किए गए हमले में 13 फलस्तीनियों की मौत हो गई है और 117 से ज्यादा फलस्तीनी घायल हो गए। आपकी इन दोनों खबरों पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।